हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर आईपीएल 2023 की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई। अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। वैसे तो SRH की टीम की साइड से अपडेट नहीं है, अपडेट है SRH की टीम ने मिनी आईपीएल में जिस टीम को खरीदा है, यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केपटाउन की टीम की साइड से। वैसे तो सनराइजर्स की ये फ्रेंचाइज है तो इसीलिए एक तरीके से एक ही बात है, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइज को यही ओन करते हैं। इन्होंने एक नई अनाउंसमेंट कर दिया है जहां पर इन्होंने अपने बॉलिंग कोच के तौर पर डेल स्टेन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगर आप लोगों को याद हो तो आईपीएल 2022 में भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने डेल स्टेन को अपनी टीम के बॉलिंग कोच के साथ जोड़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से उमरान मलिक की गेंदबाजी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करवाई थी। तो अब डेल स्टेन आप लोगों को सनराइजर्स ईस्टर्न केपटाउन टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है। एशिया कप जो करेंटली हमें देखने को मिल रहा है उसमें एक बार फिर से आप लोगों को भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल हमने आपको अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की टीम हांगकांग को बीट कर देती है तो फिर सुपर फोर में भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, और अब यही हमें देखने को मिलने वाला है क्योंकि संडे 4 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को सुपर फोर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमों का सुपर फोर का ये पहला मैच होगा, क्योंकि इस लीग में हर एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक एक मुकाबला खेलेगी, जिसका मतलब है एक टीम 3 मैच खेलेगी। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों का पहला ही मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है जोफ्रा आर्चर की तरफ से। जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा था आईपीएल 2022 के लिए, लेकिन पूरे के पूरे आईपीएल 2022 में फिट ही नहीं हो पाए थे और जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2022 से बाहर हो गए थे। तो ऐसे में अब जोफ्रा आर्चर के रिगार्डिंग एक और बहुत ही बुरी खबर मुंबई इंडियंस और उनके फैंस के लिए निकल कर आ रही है, और अपडेट यह है कि जोफ्रा आर्चर वापस से रूल्ड आउट हो चुके हैं। लास्ट के 1.5 साल में उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली और उसके साथ ही जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है वहां से भी जोफ्रा आर्चर बाहर हो चुके हैं और इस वर्ल्ड कप में आप लोगों को खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका मतलब है, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं तो फिर बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं कि वो आईपीएल में भी खेलेंगे। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के अगर आप लोग फैंस हैं तो अब आप लोग इस बात को ऑलमोस्ट 80-90% कन्फर्म मान सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2023 को भी स्किप करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में दिक्कत आने वाली है ऑक्शन से पहले, क्योंकि मुंबई इंडियंस के टीम को ये डिसीजन अक्टूबर नवंबर में ही लेना पड़ेगा कि क्या वो आर्चर को रिटेन करना चाहते हैं या फिर रिलीज। अगर वो उनको फिर भी रिटेन करते हैं और वो इस साल भी नहीं खेलते हैं तो फिर ये बहुत ही तगड़ा झटका है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये निकल कर आ रही है मिनी आईपीएल के ऑक्शन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जहां पर ऑलरेडी इसके ऑक्शन की डेट हमारे सामने अनाउंस हो चुकी है। 19 सितंबर को हमें मिनी आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और इस ऑक्शन के रिगार्डिंग एक्साइटमेंट तो काफी ज्यादा है ही, लेकिन ये पिछले काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि इस आईपीएल की नीलामी में कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय प्लेयर्स को साइन किया जाए। हालांकि बीसीसीआई की साइड से इस बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, लेकिन अब फाइनली एक भारतीय मूल के प्लेयर उन्मुख चंद, आप लोग जानते होंगे अंडर 19 टीम जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें ये कैप्टन थे, तो ये अब तो भारत की टीम से नहीं खेलते हैं, अभी किसी दूसरी कंट्री से खेलते हैं। तो वहाँ की वजह से इनको परमिशन मिल गई है मिनी आईपीएल में खेलने की और इन्होंने मिनी आईपीएल के ऑक्शन में अपने नाम को रजिस्टर कर दिया है। अब बस उम्मीद यही है कि बीसीसीआई शायद आने वाले टाइम में भारत के भी कुछ प्लेयर्स को इसमें खेलने के लिए परमिशन दे दे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग। दरअसल वर्ल्ड कप हमें अब से कुछ महीने के बाद ही स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। दरअसल 1.5 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है और ऐसे में हर साल T20 वर्ल्ड कप से पहले जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस T20 वर्ल्ड कप के पार्ट होते हैं उन सभी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को घुमाया जाता है। आप लोगों को पता होगा जितने भी कंट्रीज हैं सब कंट्रीज में T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो ट्रेवल करती है, और गाइस इसका लुक हमारे सामने रिवील हो चुका है जहां पर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी करेंटली नेपाल में हमें नजर आ रही है। और अगर इसकी फोटो की बात की जाए तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी फोटो को देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से कुछ ये जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है ये हमें ट्रेवल करते हुए नजर आ रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, और जल्दी ही आप लोगों को ये भारत भी पहुंचते हुए नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है एशिया कप में भारतीय टीम के रिगार्डिंग ही, जहां पर कल भारत की टीम को भी एशिया कप में पाकिस्तान वाले मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। और लास्ट मुकाबले में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था तो काफी इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी रविंद्र जडेजा ने, लेकिन अब जडेजा अपनी इंजरी के इश्यूज की वजह से एशिया कप के इस मुकाबले से और इसके साथ ही पूरे के पूरे एशिया कप से ही बाहर हो चुके हैं। और ऐसे में बहुत ही तगड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि जडेजा बहुत ही कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे, और उसके बाद एक और झटका यह है कि जडेजा एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर थे, तो ऐसे में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद ऋषभ पंत अब भारत की टीम में हर मुकाबला खेलेंगे, क्योंकि इनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्षर पटेल को बुलाया गया है। लेकिन अक्षर पटेल को क्या वैसा रोल
बोल दे सकते हो कि वो नंबर 4-5 पर जडेजा की तरह खेले, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अब ऋषभ पंत हर एक मुकाबले में खेलेंगे, और उसका मतलब ये हो सकता है कि फिर केएल राहुल भारत की टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल ने अभी रिसेंटली भारत के साथ जो प्रैक्टिस हुई है उस प्रैक्टिस में भी वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बने थे। तो हो सकता है उनको बता दिया गया हो कि अब आने वाले एशिया कप के मैचेस में वो नहीं खेलने वाले हैं। आगे बढ़ने का इधर बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है निकोलस पूरन यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की साइड से, जहां पर गाइज नीलामी में SRH की टीम ने निकोलस पूरन को काफ़ी महंगे प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया था। और ऐसे में निकोलस पूरन SRH की टीम में पंजाब किंग्स की टीम से आए थे, जहां पर इनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। तो SRH की टीम की साइड से इस बार हालांकि इनका परफॉर्मेंस हमें काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिला था। एडन मक्रम और उनके साथ ही निकोलस पूरन के बीच में हमें काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होते हुए नजर आई थी। तो ऐसे में निकोलस पूरन ने परफॉर्मेंस तो अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ऐसा लग रहा है कि इनके प्राइस टैग के हिसाब से परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं की। मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर ये चाहें तो निकोलस पूरन को वापस से रिलीज करके उनको थोड़े से कम पैसों में वापस से खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर ये उनको नीलामी में भेजते हैं तो फिर इनको पूरी पूरी उम्मीद है कि जितने प्राइस के वो अभी हैं उस प्राइस से कम में ही ये उनको वापस खरीद लेंगे। तो ऐसे में इनका बैलेंस पर्स भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वापस से निकोलस पूरन को अपनी टीम में शामिल भी कर पाएगी। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस अब इस बात के हो चुके हैं कि निकोलस पूरन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आप लोगों को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से SRH की टीम को निकोलस पूरन को रिटेन करना चाहिए या फिर रिलीज। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है भारत के कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ ही BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से। दरअसल अभी से एक दिन पहले रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रोहित शर्मा किसी और फील्ड में भी अपना डेब्यू करने वाले हैं, और इसके पोस्टर से हमें ऐसा देख के लग रहा था कि शायद ये कोई मूवी हो सकती है या फिर हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट हमें या फिर कोई शो देखने को मिले। और उसके बाद फिर सौरव गांगुली ने भी इसी तरीके की पोस्ट अपने ऊपर पोस्ट की अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जहां पर उन्होंने भी बताया कि रोहित शर्मा का बिल्कुल ये जो एग्जैक्ट सेम पोस्टर था उसमें सौरव गांगुली भी हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रोहित शर्मा और सौरव गांगुली साथ में लेकर कुछ तो ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि क्रिकेट से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है ये कोई मूवी हो सकता है ये कोई शो हो, या फिर हो सकता है कि किसी ब्रांड के लिए प्रमोशन भी हो, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि ये मूवी होने वाली है। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।